शासन की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील के पीछे सरकार की मंशा थी कि कोई भी बच्चा कुपोषित न हो। सरकार ने जी खोल कर धन दिया, हर दिन के लिए अलग अलग मेनू तय किया। हालांकि इन सब के बावजूद योजना धरातल पर कितना सफल या असफल हुई, इसे जानने की कोशिश तक नहीं की गई। गोरखपुर के तिनकोनिया नंबर 1 के प्राथमिक विद्यालय का जब जायजा लिया गया तो वहाँ के छात्रों को पहले तो गुरुजन सामने नहीं आने दे रहे थे। जब किसी तरह इसके लिए तैयार हुए भी तो बच्चे गुरुजनों की ओर से रटे रटाए तोते की तरह जवाब देते मिले। जरा आप भी सुनिए क्या कहा बच्चों ने। आप लोग को यहाँ खाना मिलता है रोज दोपहर में? हाँ जी सर। खाना कैसा रहता है? बहुत अच्छा। तुम बताओ बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? निशा। अच्छा, खाना यहाँ पे बढ़िया मिलता है? जी सर। जब प्रधानाचार्य से शासन द्वारा तय मानकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना बताया कि यहाँ रोज मेनू के अनुसार ही खाना पकता है। अन्य तय मानक के बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं था। जो मेनू मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वही हम लोग बनवाते हैं। अच्छा, तो आम दिनों में क्या मेनू रहता है? जैसे आज शनिवार है, सब्जी चावल मिल रहा है, तो आम दिनों मंडे को जैसे सब्जी रोटी रहता है, ट्यूजडे को सब्जी चावल रहता है, वेडनेसडे को कढ़ी चावल रहता है, थर्सडे को रोटी सब्जी फिर रहता है। मेनू के अनुसार यहाँ पे भोजन जी फ्राइडे को तहरी रहता है, फिर सैटरडे को सब्जी चावल। गांव के प्रधान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि हर बच्चे को मिड डे मील वक्त पर मिल रहा है या नहीं। वहीं जब इस संबंध में ग्राम प्रधान से बातचीत की गई तो वो भी इसके तय मानक वगैरह से अनजान दिखा। जो शासन से दिशा निर्देश हैं कि फला फला दिन जो जो खाना बनना है, किसी दिन पूरी सब्जी है, किसी दिन तहरी है, किसी दिन दलिया है, किसी दिन जो भी सब्जी चावल है, वो सारी चीजें बना के खिलाया जाता है। जब इस संबंध में मिड डे मील पकाने वाले रसोइये से पूछा गया तो वो भी सही जवाब नहीं दे सका। कितने बच्चों का रोज खाना बनता है यहाँ? बनता है 100 सुपर ही बनता है, 160 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं बच्चे। तो खाना आप दोनों ही बनाती हैं यहाँ? खाना बनाने में सब साफ सफाई रहता है? जी हाँ। कई रसोईया गंदे हाथों से मिड डे मील पकाते हैं तो कहीं मिड डे मील की थालियों में चूहे कॉकरोच आदि निकल रहे हैं। गाय बघाए सुर्खियों में खबर ये भी आती है कि मिड डे मील खाकर कई बच्चे बीमार हो गए। इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच आज भी मिड डे मील की दशा सुधारने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। गोरखपुर से सादा न्यूज के लिए सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट।